भारत टेक्नोलॉजी की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज के समय में आम आदमी भी अपने अधिकांश काम बस एक क्लिक में पूरा कर रहा है। ऐसे में इंटरनेट की दुनिया में कदम रख चुका हर शख्स अब 5G सेवा का इंतजार कर रहा है। आइए जानते हैं भारत में कब शुरू हो रही है 5G सेवा और किन शहरों को मिलेगी पहले सुविधा। हाल ही में कार्यक्रम में केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत में अक्टूबर तक 5G सेवा की शुरुआत कर दी जाएगी। इसके बाद शहरों और कस्बों में इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी उम्मीदें हैं कि अगले 2 से 3 वर्षों में 5G देश के हर हिस्से में पहुंच जाए। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह किफायती रहे। शहरी और ग्रामीण दोनों उद्योग क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम 5G सेवाओं को तेजी से शुरू करने की योजना बना रहे हैं। दूरसंचार ऑपरेटर इस संबंध में काम कर रहे हैं और इंस्टॉलेशन किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि हमें 12 अक्टूबर तक 5G सेवा शुरू कर देनी चाहिए और फिर शहरों और कस्बों में इसका विस्तार होगा। दूरसंचार विभाग की ओर से हाल ही में हुई नीलामी में जीते गए स्पेक्ट्रम के लिए सेवा देने वाली कंपनी में एयरटेल, रिलायंस जियो, अडानी डेटा नेटवर्क और वोडाफोन आइडिया हैं। आइए अब जानते हैं क्या है 5G और कैसे काम करेगा। फिलहाल हम सभी इंटरनेट के लिए 4G या कुछ जगह 3G सेवा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अब 5G आने के बाद हमें इंटरनेट की और बेहतर सुविधा मिलेगी। एक तरह से कह सकते हैं कि मोबाइल संचार की आने वाली पीढ़ी है, जिसकी गति और क्षमता हमारे वर्तमान 4G से 10 गुना तेज होगी। इससे आने वाले समय में हमारा देश टेक्नोलॉजी के मामले में नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। फास्ट इंटरनेट की एक नई दुनिया जिसमें हमारी और आपकी जिंदगी को नई रफ्तार मिलेगी। साथ ही यह चौथी औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्री 4.0 में भी तेज स्पीड के इंटरनेट के कई फायदे हैं। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर मशीन लर्निंग, 3D प्रिंटिंग हो या वर्चुअल रियलिटी, 5G की तकनीक ऐसी हर चुनौती को आसान बनाने जा रही है। जानकारी के मुताबिक पहले चरण में 5G सेवा देश के 13 शहरों में शुरू होगी, जिनमें दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता, लखनऊ, गांधीनगर, चंडीगढ़, हैदराबाद, चेन्नई और जामनगर का नाम है। वैश्विक पटल की बात करें तो अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया के अलावा यूरोप के कुछ देशों और अफ्रीकन कुछ देशों में लोगों को 5G सर्विस की सुविधा मिल रही है। साउथ कोरिया में सबसे पहले 5G लॉन्च हुआ था। इसके बाद यूके, यूएस और स्विट्जरलैंड में 5G सेवा शुरू हुआ। हाल ही में 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा कि ये जो डिजिटल इंडिया का मूवमेंट के जरिए जो 5G की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, आज देश के गांव-गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम तेज गति से चल रहा है। आपने ये भी देखा है कि अब भारत में 5G लॉन्च हो रहा है। पीएम ने कहा कि इस दशक के अंत तक 6G लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। गेमिंग और एंटरटेनमेंट में भी भारतीय सॉल्यूशन को सरकार बहुत प्रोत्साहित कर रही है। इन सारे नए सेक्टर्स पर सरकार जिस प्रकार निवेश कर रही है, जैसे इन्हें प्रोत्साहन दे रही है, उसका लाभ आप सभी नौजवानों को जरूर उठाना चाहिए। तो सभी उम्मीद कर रहे हैं कि अक्टूबर यानी एक महीने के बाद सभी 5G सेवा का आनंद उठा सकेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। देखते रहिए PBNS।